माता जी। तो आज सुबह हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन में। मेरे पीछे आप देख सकते हो, जस्ट अभी हमने दर्शन किए हैं और अब हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और श्रद्धालुओं के रहने खाने की क्या क्या व्यवस्था की गई। और अगर तो अब चलते हैं भवन में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारी हो रही है। और आज की इस वीडियो को माँ के जयकारे के साथ शुरू करेंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता जी। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम खड़े हैं माता वैष्णो देवी भवन के ठीक सामने एंट्री गेट पे। लोग अभी काफ़ी आना शुरू हो चुके हैं। रात को तो काफ़ी ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं और दर्शन भी रात को ही करते हैं, परंतु हमने दर्शन सुबह 4:30 बजे किए थे। सबसे अच्छा समय होता है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। आप भी दर्शन सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच ही कीजिएगा, उसके बाद आरती शुरू हो जाती है और अभी भी सामने आरती हो रही है। और इसके बाद हम जाने वाला है यहाँ से भैरव घाटी में और उसकी भी वीडियो अगले पार्ट में आने वाली है और आप जरूर देखिएगा। फिलहाल हम चलते हैं माता के भवन में और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। जय माता। जब याद करे हमें तरस दिखाना माँ, जब जब याद करे हमें तरस दिखाना माँ, जब जब याद करे हमें तरस। अगर आप माता के भवन में रात को रुकना चाहते हो तो मात्र 200 रुपये में यहाँ पे आपको डोर मैट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आप एडवांस में ही इस सुविधा को बुक कर सकते हो। और अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हो तो वहाँ पे माता शैलपुत्री भवन में आपको मात्र 120 रुपये में डोर मैट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी हम अपनी आगे की यात्रा को जारी रखते हैं और आप बने रहिए वीडियो के साथ। जय। सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेकोरेशन का काम लगा हुआ है और यह काम 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। और नवरात्रों में ये काम 2 बार किया जाता है, फूलों को चेंज किया जाता है। और अभी हम माता के भवन में जा रहे हैं। थोड़ी सी दूर माता का भवन यहाँ से रह चुका है और लोग देख सकते हो कि दर्शन करके वापस आ रहे हैं और कुछ भैरव घाटी की तरफ भी जा रहे हैं। भीड़ की अगर बात करें तो ये सुबह का समय है, इस समय इतनी भीड़ नहीं होती है और रात को तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई होती हैं। हमने खाने की सुविधा मनोकामना भवन के ठीक सामने आपको मिल जाएगी। श्राइन बोर्ड का अपना भोजनालय है और यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के ही खाना आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज का पूरी तरह से प्रतिबंध है। और चाय नाश्ता भी आपको यहाँ से आराम से उपलब्ध हो जाएगा। ओनली 45 रुपीज़ में आपको यहाँ पर फुल प्लेट खाना मिलेगा। तो इसी के साथ ही आगे की यात्रा भी हम जारी रखते हैं और आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप यहाँ पे फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं। फ्री में अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में आप जाकर पता कर सकते हो। वो आपको बता देंगे कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से रूम वहाँ पे फ्री है या नहीं है। तो वहाँ आप फ्री में रुक सकते हो, बशर्ते आपको अपना सामान का ध्यान रखना होगा। या तो आप अपना सामान लॉकर रूम में छोड़ दीजिए या अपने पास ही रखें, बस अपने सामान का ध्यान रखें।
इसी के साथ ही माता वैष्णो देवी के इस पाठ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पाठ में। अगला पाठ रहेगा माता वैष्णो देवी भवन से सीधा भैरव घाटी तक का। तो मिलते हैं अगले पाठ में। जय माता दी।